हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और आज हम घूमने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ दोस्त आया हुआ है, एक राजीव है और एक अजय है। तो ये दोनों हमारा दोस्त है, देख सकते हो। एक बार हाय कर दो भाई। हेलो ब्रो। तो चलिए, आज हम जिस जगह में आए हुए हैं वो है दुमका से करीब 30 किलोमीटर दूर मसानजोर। तो मसानजोर के बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। तो चलिए अब डैम की ओर, ठीक है। यहाँ से डैम का शुरुआत होता है दोस्तों, यहाँ से ही गेट दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं। अगर मैं इस जगह की लोकेशन की एग्जैक्ट बात करूं तो दोस्तों, ये दुमका से करीब 30 किलोमीटर दूर सिवड़ी जाने वाले रास्ता पे है। एकदम रोड के बीचों बीच ही है और काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं हमेशा। देख सकते हैं रोड के एकदम साइड में ही है। तो ये काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है, बोटिंग का भी सुविधा है एंड पानी की अगर बात करें तो देख सकते हो ब्लू पानी है, तो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, 1955 में कनेडियन सरकार के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा उन्हीं के सहयोग से इसको बनाया गया है। इसीलिए आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि इस डैम को नागा डैम के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पानी कितना स्पीड से बह रहा है। अगर हम इस डैम का बनाने का उद्देश्य का बात करें तो इस डैम को बनाने का मेन पर्पज़ था दोस्तों कि यहाँ से बिजली उत्पाद किया जाए और यहाँ में जो भी अगल बगल के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा उसे और बिहार, तो उस राज्यों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाया जा सके, इसी के पर्पज़ से इस डैम का निर्माण किया गया था। बट समय के धीरे धीरे साथ ही साथ यहाँ पर अब सैलानियों का काफ़ी आना जाना होने लगा और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित हो चुका है। अगर हम इसके कितना ये दूर तक में फैला हुआ है तो हम एग्जैक्ट बात करें तो 16,000 से 17,000 एकड़ के आसपास में ये फैला हुआ है दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे बंगाल से भी देखने के लिए, तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो इस कारण से थोड़ा भीड़ कम नज़र आ रहा है आप लोगों को। और मैं ये इस बांध के बात करूं तो ये मयूराक्षी नदी पे ही बनाया गया है। नदी पे ये नीचे में थोड़ा सा पार्क टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे जाने का भी रास्ता है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, अगर होगा तो हम लोग बिल्कुल चलेंगे नीचे पे ताकि वो चीज़ों को भी आपको दिखाया जा सके। और आप अपने परिवार, फैमिली, रिलेटिव किसी के साथ भी आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। कल वैलेंटाइन डे भी है और आप अगर अपने पार्टनर्स के साथ आना चाहते हैं, ये एक जगह पे एडवेंचरस जगह पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप बस से आ रहे हैं भाई, बस थ्रू आ रहे हैं दुमका से, तो 50 रुपये चार्जेबल है बस, और 50 रुपये आना, 50 रुपये जाना। देख सकते हो वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं, यहाँ पर बस लगा हुआ है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा सा जगह है, आप बिल्कुल आएँ और इस जगह का आनंद उठाएं। चारों साइड पहाड़ी पहाड़ है, गाछ है, वृक्ष है, उसके बीचों में ये डैम है जो काफ़ी मनमोहक है और आकर्षक लगता है हमें। अगर मैं बोटिंग की बात करूं तो मैं बोटिंग वाले के पास चलूँगा। जहाँ तक मुझे पता चला है बोटिंग चार्ज 100 रुपये लिया जा रहा है। वैसे मैं उनसे बात करके मैं आप लोगों को बता दूँगा। अच्छा लग रहा हो तो यार बिल्कुल यार लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करने ना भूलें, ठीक है।
अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से बोटिंग के लिए टिकट कटता है, और ये वाले भैया हैं जो बोटिंग का टिकट काटते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कितना चार्ज है और कितना देर तक इसको घुमाया जाता है। ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हो गया विशाल निरकुमार। ये कब से बोटिंग चल रही है? बोट सर आपका 5 से 7 साल स्टार्टिंग हो चुका है, 5-7 साल चल रहा है। और ये कितने चार्ज लिया जा रहा है? नॉर्मल राइड का 100 रुपया, ठीक है, और टापू जो लैंडिंग होता है उसका 150 रुपया। उसमें 10 मिनट अलग से टाइम दिया जाता है लैंडिंग में, आइलैंड में, वहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर सीन है, जगह भी देखने का है, पानी के बीचों बीच पहाड़ है, दो पहाड़ मिलके एक आइलैंड बना हुआ है। तो क्या ये 7 दिन खुला रहता है क्या? एकदम 7 दिन। हाँ 7 दिन, 9 बजे से शाम 5 बजे तक। तो भैया ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, आप लोग बिल्कुल आए अपने परिवार के साथ और ये जर्नी का एंजॉय लीजिए। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है दोस्तों, बट ये लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले ये रोड के साइड में है और दूसरा चारों साइड इसके पहाड़ ही पहाड़, तो जिस तरह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव से लगता है और बहुत सारे लोग आते हैं, देख सकते हो हमारे सामने पे, है ना।